अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बनाने वाली हूँ साउथ इंडियन डिश जो है इडली। आप जल्दी से इसकी चीज़ें नोट कर लें। चावल 2 कप, 1 कप उड़ीद की दाल, 1 टीस्पून मेथी। मेथी से इडली का कलर बहुत ही अच्छा हो जाता है और आप इसको मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी। ये देखिए मेरा चावल पीस के हो गया है। अब मैं इसके अंदर अपनी दाल, ये जो दाल है वो सेम मिक्सर में मैं भी अपनी ये दाल पीसूंगी। अगर आपकी इडली सॉफ्ट नहीं आती तो आप जब आप चावल पीसेंगे ना तभी एक मुट्ठी पके हुए चावल डाल दीजिए पीसने के लिए, या तो फिर जब आप सुबह में चावल भिगोएंगे ना उसके साथ 2 टेबलस्पून पोहा भिगा देना, तो उससे आपकी इडली सॉफ्ट हो जाएगी। मैं अभी अपनी उड़द दाल पीसती हूँ। उड़ीद की दाल और मेथी दोनों साथ में डाल दी हूँ पीसने के लिए। अब मैं इसको पीस लूँगी अच्छी तरह से। ये देखिए मैंने दाल और चावल को अच्छी तरह से मिक्स कर दी हूँ और जब ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाएगा तो मैं इसकी इडली बनाऊँगी। अब मैं इसको अच्छी तरह से फर्मेंट होने के लिए रख देती हूँ। मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया, जब मैं इडली बनाऊँगी तब मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। ये देखिए इडली का तो अच्छे से आ गया है, फर्मेंट हो गया है अच्छे से। इसके अंदर मैं अभी 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। यहाँ मैंने प्लेट्स को थोड़ा ऑयल लगा के ग्रीस कर ली हूँ अच्छी तरह से और यहाँ मैंने पानी रख दी हूँ गर्म होने के लिए, जो गर्म हो चुका है। अब मैं इडली का बैटर एक स्पून इसमें डालूँगी। ये देखिए मैंने सब इडली का बैटर डाल के फिल कर दिया है। अब मैं एक एक करके इसको इडली के मोल्ड में डालूंगी। इसको मैं 7 से 8 मिनट तक स्टीम करूंगी। जब तक मेरी इडली बन रही है मैं चटनी की तैयारी करती हूँ। यहाँ मैंने फ्राई पैन रख दिया है, इसके अंदर मैं अब 1 टीस्पून तेल डालूंगी। ये टोमेटो चटनी है, इसके लिए मेरे पास है एक छोटी साइज़ की प्याज, 1 छोटा टोमेटो, 3 रेड चिलीज, 3 लहसुन। मेरा यहाँ पे मेरा तेल गरम हो गया है। टोमेटो चटनी के लिए मैं पहले प्याज डालूँगी। इसको थोड़ा फ्राई करूँगी। मैं इसमें टोमेटो ऐड करूंगी। इसको भी थोड़ा सॉफ्ट होने तक भूनूंगी। ये देखिए इसके अंदर मैं रेड चिली और लहसुन डाल के इसको और 2-3 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। ये देखिए चटनी हो गई है, इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे पीसेंगे। जब तक वो टोमेटो की चटनी ठंडी हो रही है हम तब तक दूसरी चटनी बनाते हैं, कोकोनट चटनी। ये है 1/2 कप फ्रेश कोकोनट, 1/2 कप बंगाल ग्राम अदरक, 1 इंच, 2 हरी मिर्च। इसको मैं मिक्सर में डाल के अच्छी तरह से पीस लूँगी। ये देखिए मैंने सब इसमें डाल दी हूँ, बंगाल ग्राम फ्रेश कोकोनट, 2 हरी मिर्ची, 1 इंच अदरक। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक मैंने ऐड कर दिया है। अब थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको अच्छी तरह से बारीक पीस लूँगी। देखिए मेरी चटनी हो गई है, कोकोनट चटनी। इसमें मैं अब 1-2 टीस्पून दही ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए दही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है इसके अंदर। इसको अब हम बाजू में रखेंगे। मैं अभी पीनट चटनी बना रही हूँ। 1/2 कप पीनट रोस्टेड, 1/2 कप फ्रेश कोकोनट, 1 लहसुन, 3 लाल मिर्चें और थोड़ी सी इमली। मैं वही सेम मिक्सर ग्राइंडर में इसको पीसूंगी बारीक। देखिए मैंने इसमें सब डाल दी हूँ, नमक पानी सब मिक्स कर दी हूँ। अब मैं इसको अच्छी तरह से पीस लूँगी। पीनट चटनी बनके तैयार है।
अब मैं ये टोमेटो चटनी पीस रही हूँ, इसके अंदर मैंने नमक, टोमेटो, प्याज, अदरक डाल दी हूँ। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ और इसको भी अच्छी तरह से मैं पीस लूँगी। टमाटो चटनी भी बन के तैयार है। अब मैं इन तीनों चटनी को बघार दूँगी। मेरा तेल गरम हो गया है, इसके अंदर मैं अब एक टीस्पून राई डाली हूँ। अब मैं इसमें कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने तीनों चटनी पे बघार दे दी हूँ, इसको ऐसे मिक्स कर लीजिए आप। मेरी इडली भी बनके तैयार है, अब मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। कोकोनट चटनी, कोकोनट चटनी, टोमेटो चटनी, सांबार, इडली रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।